एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक श्री रतन चंद जैन पिछले दिन अपने श्वासों की पूंजी नू खर्चते हुए परमात्मा दे चरणा विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम का आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वालों जिन्हां विच इंदू जैन, वरिंदर कुमार जैन, टारचन जैन, अंजू जैन, अरुण जैन, आशु जैन, सोनिका जैन, संजू जैन, पंकज जैन, ऋषवी जैन, रेणुका जैन, विक्रम जैन, सलोनी जैन, अंकुश जैन, अभिषेक जैन, अंशुमन जैन, आयुषी जैन, अक्षय जैन, जशिका जैन, समायरा अरु, अग्रिम जैन, आयत जैन, तायरा अते उन्हां दे समूह परिवार वालों श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जलंधर विखे करवाया गया, जिस विच वड्डी गिनती विच संगतां ने शिरकत कीती अते श्री रतन चंद जैन जी नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। श्री रतन चंद जैन जी दा जन्म पिता श्री राम लाल जैन जी दे घर माता श्रीमती शांति देवी जी दी कुखों सुखनवाला फरीदकोट विखे सन 1935 विच होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगढ़ सियाणे अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी ने BA तक दी एजुकेशन हासिल कीती, उपरंत आप जी ने अपने बिजनेस दी शुरुआत कीती। श्री रतन चंद जैन जी मनियारी दा होलसेल दा बिजनेस करिया करदे सन। श्री रतन चंद जी अपने हर काम नूं बहुत ही मेहनत, लगन अते ईमानदारी नाल करिया करदे सन, जिस दी बदौलत आप जी ने अपने कारोबार विच खूब उन्नति हासिल कीती अते खूब नामना खटिया। आप जी दा विआह जंडियाला गुरु निवासी श्रीमती दर्शना राणी जैन जी होना नाल सन 1955 विच होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनिया परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बच्चियां इंदू जैन, टारचन जैन अते अरुण जैन ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे आप जी दे नक्शे कदमां ते चल के आप जी दे नाम नूं चार चांद लगा रहे हन। श्री रतन चंद जैन जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। श्री रतन चंद जी हर साल 7 to 11 लड़कियां दीआं शादियां करवाया करदे सन। इस तों इलावा आप जी ने अपने पिंड सुखनवाला विखे एक स्कूल, एक डिस्पेंसरी दा निर्माण करवाया अते आप जी ने अपने पिंड विखे बहुत सुंदर शमशान घाट बनवाया। श्री रतन चंद जी दा अपने पिंड सुखनवाला नाल गहरा लगाव सी अते आप जी लम्मा समा उत्थे भी रिहा करदे सन। श्री रतन चंद जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभा दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही होके रह जांदा सी। श्री रतन चंद जैन जी हुणां दे श्रद्धांजलि समागम दे मौके ते वड्डी गिनती विच संगतां तों इलावा बाबा हैनरी, KD भंडारी, तरसेम कपूर, SSC जैन सभा दे प्रधान श्री सतपाल जैन, भूतपूर्व प्रधान श्री बिमल जैन अते उनां दी सारी वर्किंग कमेटी जिन्हां विच ओशन जैन, प्रदीप जैन, रोमी जैन, राकेश जैन, धर्मपाल जैन, सुमित जैन, उनां दे जद्दी पिंड सुखनवाला तों वी किशोर चंद प्रधान, परशोत्तम शर्मा सैकटरी, चरणजीत सिंह सरपंच, विजय कुमार शमशान घाट कमेटी मैंबर तो इलावा वड्डी गिनती विच उच्च शख्सियतां ने शिरकत कीती अते परिवार नाल दुख सांझा कीता। लाखों वर्षों तक जीवन या
श्रीमती अंजू जैन एवं श्री अरुण जैन गीता जी श्रीमती आशु जैन आपके पुत्र पुत्र वधु हैं। इंदु वरिंदर जैन कपूरथला आपके बेटी दामाद हैं। सलोनी अंकुश जैन पोती दामाद अभिषेक जैन पोता है। अंशुमन आयुषी जैन अक्षय यशिका जैन आपके पौत्र पौत्र वधु हैं। पंकज रश्मि जैन दोहता दोहता वधु हैं। सोनिया संजीव जैन लुधियाना रेणुका विक्रम जैन जलंधर आपके दोती दोहता दामाद हैं। अग्रिम जैन पड़पोत्रा ताहिर आयात जैन पड़पोत्रियाँ अर्नब लक्षिता कृष्ण दिव्यांशु पड़दोत्रे समायरा पड़दोत्री साक्षी मियंग जलंधर पड़दोत्री दामाद हैं। सिद्धम जैन आपके पड़ पड़ दोत्रा हैं। श्री आरसी जैन जी कसूर वाले बाबा ठाकुर दास जी सुखनवाला के प्रधान पद पर आसीन थे। आपने सुखनवाला में शमशान घाट अस्पताल स्कूल का निर्माण करवाया। हर साल वहाँ पर खो खो व कबड्डी का टूर्नामेंट भी करवाते और विजेताओं को पुरस्कृत भी करते। हर वर्ष गरीब कन्याओं की शादी भी करवाते थे। आपके द्वारा हर शहर में महामंत्र दफ्तार का शिलापट भी लगाया गया। नवयुग सुधारक श्री रघुवर त्यागी महाराज की जन्म जयंती पर हर वर्ष लड्डुओं की प्रभावना करते। आपके द्वारा युक्ति मंडल जलंधर को एफटीआर के मध्य उसके फलस्वरूप वैसदस से यहाँ पर भी प्रभावना वितरित करते। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती दर्शना रानी जी की पुण्यतिथि पर 16 अक्टूबर को आगामी 16 अक्टूबर 2023 को सामूहिक एंगल दिवस का आयोजन युक्ति मंडल महिला संघ जलंधर द्वारा करवाया जा रहा है और प्रभावना भी वितरित की जा रही है। आचार्य भगवान डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज आपके ममेरे भाई उन्हीं की पावन प्रेरणा से मन की धारणा से आपने कमाई का एक हिस्सा सेवा कार्यों में लगाया। वर्तमान में आप एसएच जैन सभा जलंधर के संरक्षक पद पर आसीन थे। आपके द्वारा दिए हुए संस्कारों के अनुरूप जहां आपके बड़े बेटे श्री तारजन टंकी जी जैन सभा के सक्रिय सदस्य हैं व पौत्र श्री अभिषेक जी युवक मंडल व युवक संघ के सक्रिय सदस्य हैं, वहीं मैसेज अभिषेक ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से रबर टैंकर के कारोबार को भी बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं। आपके छोटे पुत्र श्री अरुण जैन गीता जी जैन सभा धार्मिक कमेटी के अध्यक्ष श्री अमित जी की पावन प्रेरणा से लगभग 20 वर्ष बाद स्थानक में आए और वर्तमान प्रधान श्री सतपाल जी बस्ती वालों ने उन्हें जैन सभा की कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सेवा प्रदान की। प्रतिदिन प्रवचन पूर्व आना और पर्युषण पर्वों दौरान गण वेश में समय करना अरुण जी की दैनिक दिनचर्या बन गई, जिसके फलस्वरूप आज अरुण गीता जी के बड़े सपुत्र श्री अक्षय जी और छोटे सपुत्र श्री अंशुमन जी ने प्रथम बार व्रतों की 28 तक संपन्न की है। ये इनके परिवार के लिए परम सौभाग्य का विषय है। अक्षय जी सहयोग चैरिटी फाउंडेशन के प्रधान पद के रूप में और अंशुमन जी युवक मंडल के सह सांस्कृतिक प्रमुख के रूप में अपनी समाज सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। श्री आरसी जैन जी ने सन 2015 में सोने की कोड़ी चढ़ने के उपलक्ष्य में कोई पार्टी नहीं की, अपितु जैन स्थानक में गुरु चरणों में सामूहिक एंगल दिवस का आयोजन करवाया और धर्म रूपी सोने की कोड़ी चढ़े। आपकी जिंदगी में आपने जो भी काम किया वह अपने दंगे की चोट पर किया। आप देव गुरु और धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। प्रतिदिन सामायिक संवर गुरुदर्शन प्रवचन श्रवण की लालसा से आपका जीवन धर्म में रंग में रंगा हुआ था। जहाँ आपने साधु साधुओं के आहार प्यार की सेवा का भरपूर लाभ उठाया, वहीं चतुर्विध संघ की सेवा में भी सदैव समर्पित रहे। आपकी आयु लगभग 90 वर्ष की थी। दो दिन पूर्व सुखनवाल में सातवें पर्युषण के पावन दिन
आप काल धर्म को प्राप्त हुए और सोने पे सुहागे वाली बात अंशुमन जी और अक्षय जी ने 28 तक किया। सो कुल मिलाकर कहने का भाव ऐसी धर्मप्रायण आत्मा का हमसे बिछुड़ जाना जहाँ सामाजिक व पारिवारिक क्षति है वही एक धार्मिक अपूर्ण क्षति है। हम ऐसा जैन सभा के अध्यक्ष श्री सतपाल जी महामंत्री उषा जी समस्त समाज सभा के बीच चल रही समस्त संस्थाओं की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हुए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत को अपने चरणों में स्थान दे और पारिवारिक जनों को ये दुख की वेला सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा यशिका जी जो कि पौत्र वधु है वो आए और अपने श्रद्धा पुष्प अर्पित करें। सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर भरा जय जयकार। आज हम सब लोग इस सभा में जिस शख्सियत को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं श्री आर सी जैन जी हमारे दादू जी को यूं तो किसी पहचान की मोहताज नहीं मगर फिर भी मैं उनके सत्यता यादगार पलों को बताने से रुक नहीं पा रही हूँ। हमारे दादू एक ऐसे विशाल वर्ग थे जिनकी टहनियाँ इनके परिवार के रूप में सदैव नेक कार्यों में अपने योगदान देते रहे थे। दादू जी ने समाज के हर तबके पर अपने नेक कार्यों की छाप छोड़ी है। उन्होंने बहुत सी गरीब लड़कियों के विवाह में अपना योगदान दिया और उनके साथ साथ ये प्रतिज्ञा भी ली कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा ताप उम्र नेक कार्यों में समर्पित करेंगे। फरीदकोट पिंड सुखन वाल की इनकी जन्मभूमि भी है। वहां उन्होंने स्कूल बनवाया अस्पताल बनवाया। अभी सबसे उत्तम काम उन्होंने वहां के शमशान घाट का जीर्णोद्धार रेनोवेशन करवाया। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारे दादू जी उर्दू भाषा में बहुत अच्छे थे। वे अपना लिखित पढ़ित का काम उर्दू में करते थे। 90 की एज में भी वे बहुत ही उत्साहित और आत्मविश्वासी से भरपूर थे। बहुत ही खुशनसीब थे हमारे दादू जी जो अपने आखिरी सफर में अपने पौत्रों की तपस्या का लाभ लेते हुए प्रभु चरणों में लीन हो गए। एक चीज भी मुझे दादू से हमेशा अपने जीवन में प्रेरित की है और सीखने को मिली है। वह जब भी अपनी डायरी में कुछ लिखते मैं हमेशा उनसे पूछती, दादू जी आप अपनी डायरी में हर समय क्या लिखते रहते हैं? तो वह मुझे कहते कि मैं अपनी डायरी में हर दिन हर महीने हर साल का प्लान डायरी में लिखता हूँ जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है और जोश मिलता है उस काम को पूरा करने की। मैं उनकी इस बात से बहुत प्रभावित हुई और मैंने अपनी जिंदगी में भी ये चीज अमल करने की सोची। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके साथ हम और भी समय बिताना चाहते थे और बहुत कुछ सीखना चाहते थे दादू जी, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। भगवान उन्हें अपने चरणों में जगह प्रदान करे और उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। कुछ संवेदना संदेश हमें प्राप्त हुए हैं, मैं उन संस्थाओं के नाम पढ़ने जा रहा हूँ। मानव सहयोग सोसाइटी, जैन कॉलोनी उपाशा सोसाइटी, प्रधान धर्मवीर जी, महामंत्री पुनीत जी, लाला राम किशोरपुर विकलांग सहायता ट्रस्ट, अपाहिज आश्रम से श्री तरसेम कपूर जी, श्री राजेश्वर जैन राजू जी प्रधान एस एच एन सभा रोपड़, श्री संजय प्रताप जैन रोपड़ सदस्य माइनॉरिटी कमीशन इंडिया,
श्री पार्वती जैन स्कूल के चेयरमैन श्री तेज बब्बी जी और दादी की मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष श्री नरेश जी, महामंत्री धीरज जी, इनके तरफ से भी संवेदना संदेश हमें प्राप्त हुआ है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा एस एच जैन सभा के पूर्व प्रधान और जैन भवन के मार्गदर्शक श्री विमल प्रकाश जी, वो आए और अपने श्रद्धा पुष्प अर्पित करें। इस सभा में विशेष रूप से परिवार को संवेदना प्रकट करने के लिए नॉर्थ हल्के के विधायक श्री बाबा हेनरी जी भी बुला रहे हैं, जिन्होंने समस्त परिवार को संवेदना प्रकट की। अब श्री विमल प्रकाश जी, सभा में उपस्थित माताओं बहनों भाइयों आदरणीय बुजुर्गों सबको सादर प्रणाम। ये जीवन क्षण भंगुर है, जो भी इस दुनिया में आया है उसने एक दिन जाना है। धन दौलत वैभव यश कीर्ति सब कुछ अनिश्चित है, अगर कुछ निश्चित है तो वो है फिर जो लोग अपना सामाजिक धार्मिक पारिवारिक दायित्व निभा के इस दुनिया से जाते हैं वो हमेशा याद रह जाते हैं और गति में जाते हैं। ऐसे ही थे हमारे बहुत ही आदरणीय श्री आर सी जैन साहब। बहुत ही ऊंचा जीवन, जैसा कि इन्होंने बताया कि अपनी कमाई में से एक हिस्सा निकाल के उसको अच्छे कामों में लगाना। मेरी ये खुशकिस्मृति रही है कि जब मैं 2003 से 9 तक मैं सभा का प्रधान था, उस समय ये मंडल का गठन हुआ था जो हमारे संरक्षक मंडल, तो ये आर सी जैन जी हमारे उस समय संरक्षक थे जो आज तक भी संरक्षक रहे। हर काम में अपनी सलाह देना, कोई भी इनके पास किसी काम के लिए भी चले गए उसके लिए हमें अच्छी शिक्षा देना, अच्छी सलाह देना, हर काम में आगे होके काम करवाना, हर चतुर्मास में अपना पूरा साथ देना। और वैसे भी बहुत ही ये दान दक्षिणा करते रहते थे, चैरिटी का बहुत बड़ा काम करते थे। जैसे बताया गया कि इनका जन्म शुक्रवार में हुआ, उनकी एक इच्छा थी मेरी मृत्यु भी सुखनवाल में ही हो। और देखिए दिन भी कैसा दिया, जैन महापर्व पर्युषण का 7वां दिन और घर में बच्चों की लंबी तपस्या चल रही है, पोतों की, एक के 6 व्रत थे, एक के 7 व्रत थे, इनके आज एक के 9 हो गए, ढाई का 5वां हो गया और लंबी तपस्या चल रही थी घर में। कोई अपने घाती अघाती धर्मों को नष्ट करके क्षय करके, वो कोई आत्म ध्यान नहीं, कोई रुद्र ध्यान नहीं, सिर्फ धर्म ध्यान और शुद्ध ध्यान में ही रहे। और हमारे शास्त्रों में ये कहा जाता है कि जो किसी धर्म का रुद्र नहीं करते, आत्म ध्यान नहीं करते, रुद्र ध्यान नहीं करते, वो निश्चय ही उच्च गति के अधिकारी होते हैं, वो उच्च गति में जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी महान आत्मा जिन्होंने अपना सामाजिक दायित्व बहुत अच्छी तरह से निभाया, अपने परिवार को बहुत संघर्ष के बाद उनको बहुत अच्छी तरह से किया और राष्ट्र हित में भी बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने काम किए, लोगों की बहुत सेवा की, कहाँ कहाँ जाके अपने जो उनके स्थान है बाबा जी का, ठाकुरदास बाबा जी का स्थान सुखनवाल में, वहाँ जाके कितने इन्होंने काम किए, जैसे मेरे से पूर्व वक्ता बता के गए हैं। तो ऐसी महान आत्मा का चले जाना बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ा नुकसान है समाज के लिए, परिवार के लिए तो है ही, उम्र जितनी मर्जी हो किसी की, लेकिन परिवार के लिए तो वो किसी के दादाजी, किसी के नाना जी, किसी के पिताजी, किसी के ससुर जी, वो दुख तो बहुत है उनके जाने का। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, श्री महावीर जैन भवन निर्माण सोसाइटी की तरफ से, मानव सहयोग सोसाइटी की तरफ से,
विरायतन राजगिरी की तरफ से और आपका मनोहर जैन आराधना केंद्र की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करता हूँ। परिवारजनों को भगवान शक्ति दे ताकि वो ये दुख को सहन कर सके, ये इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम शांति। कुछ और संवेदना संदेश हमें प्राप्त हुए हैं। पंजाब प्रांतीय दिव्यांग सहायता शिविर के जो कन्वीनर हैं श्री रजीव जैन जी, भारत विकास चेतना द्वारा जलंधर शाखा के अध्यक्ष श्री हरबंश जी, सचिव कमल से भी संवेदना संदेश प्राप्त हुआ है। रजीव जी ने बताया कि तीन बार मौका मिला उन्हें शुक्रवार में आर सी जैन जी के साथ जाने का, जब वो सामूहिक विवाह करवाते थे उनकी सेवा देखकर हर समय यही कहते थे कि हम भी जलंधर में ऐसे ही कार्य करें। आज रजीव जी उसी कार्य में संलग्न है समाज सेवा के लिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा डॉन हल्के के पूर्व विधायक श्री केडी भंडारी जी, पूर्व सी डी एस आए और अपने श्रद्धा पुष्प अर्पित करें। ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ।
दोनों बच्चों के बीच भी अपने पिता जी का गुण है। औलाद बहुत चंगी होती है जिहड़े अपने माँ बाप की खुशबू पूरे अपने समाज फैलाए। दोनों बच्चे इन्होंने पोते इस तरीके जाकर दसिया कि उन्होंने व्रत रखे है और मैं महसूस करता कि पिछले ताकत सी प्रेरणा सी जी आर सी जैन साहब जी साढ़े बच्चे नहीं रहे लेकिन उन्होंने आत्मा जिथे भी होगी इस परिवार को असीस देगी कि तुम इस तरीके धर्म और समाज की सेवा कर। जैन परिवार का कारोबार के बहुत बड़ा स्थान है, पोलिटिकली भी इन्हों का बहुत बड़ा स्थान है। अज तक अर्थ ही दसता है आर सी जैन साहब कितनी वड्डी कमाई करके साडी कलोनी जिन्हां दा निवास है और इन्हां दा इन्ना प्यार है कलोनी दे विच भी मैं देख रहा साडी सारी कलोनी दे लोग इत्थे अज हाजिर हो रहे। यही किसी बंदे दी सही पूंजी होंदी है। मैं ईश्वर अगे प्रार्थना करूँगा जिहड़ी फुलवाड़ी जैन साहब लागे है ये सदा हरी भरी है कि परिवार सदा खुशियां ते खेड़े माने। ऐसी मंगल कामना करता हाँ मैं अपने वालों अपने परिवार वालों और भारतीय जनता पार्टी वालों महाराज के दास करूँगा इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों के निवास स्थान देना पिछे परिवार सक संबंधियों जोड़ा अकैद सर पै सहन करने की शक्ति देना। ओम शांति शांति शांति। कुछ और संवेदना संदेश में प्राप्त हुए हैं। जलंधर रबर वुड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जिनके प्रधान आर के हजाई जी और अशोक माधव जी जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री श्रीधर बीर जी की तरफ से भी संवेदना संदेश में प्राप्त हुआ है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री विजय कुमार जी जो कि सुखनवाला से आए हैं वो आए और अपने श्रद्धा को अर्पित करें। श्री विजय जी
भी असं आक्सीजन सबू नहीं चक्कर देना असं चलो सत्कार बाबे के दर से इतने ही करा इन्हों का असी नहीं इतने चक्कर देना चलो घट हो गया असं परिवार न विचार कर बेटे विचार कर होना चाहिए एक कहते जी देख लो उतों व्डे का असं है नहीं पर सा मजबूरी है साड़ी इतने प्रयादरी है तो इतने असं सारी प्रयादरी नहीं पहुँच सकती क्यों कहते यार अपना सत्कार इतने करे तो ढोक भी इतने पौना सद बहुत ही सम्मान किया बहुत ही श्रद्धा सत्कार अभी सोच भी नहीं सकते क्योंकि पहली बार देखने सारे चीजा मिल गया जो कि जलंधर के चीजा मिलियां मौके से जैन बाबा जी ने ठाकर दास की मूर्ति की स्थापना की जो कि हम मौजूद है डेरे कबड्डी टूरनामेंट उद्घाटन किया 1984 के पिंड डोक वाला उतो बहुत सी लोग आ रहे थे कोई भी साधन शामिल है नहीं सी साडे जिहड़े बसा या ट्रेनों के लोग चढ़ते सी उत्थे इन्होंने अड्डे लैके निर्माण बहुत सोना डोक वाले छत पर टट्टा बनाया स्कूल का निर्माण किया स्कूल शमशान घाट जो धर्मशाला पिंड सारे टोटली टाइलां लगाइया आस पास के स्कूलों के पिंडा के हर बारी मैं नाम लिया के इन्होंने प्रधान किशोर का उन्होंने नाम लिया के टोपिया कंबल जो भी इनका चप्पल बूट बच्चों स्कूलों के वंडिया कह सुन तो बाहर है बहुत ही ज्यादा काम हम साढ़े शमशान घाट की जो पिंड सेवा चल रही है देखने योग है जे कोई भैन भरा इतने कितने सुन वाले या फीस पटावे तो साडा मोबाइल नंबर लै लो देखने वाली चीज़ है जी इन्होंने शमशान घाट बहुत ही साडे लोगों शमशान घाट की दिक्कत सी बहुत घाट सी उत्थे जब इन्हों राय करी तो इन्होंने वध चढ़ के उत्थे अपने भैन भरावों राय करके अपने बेटियां इन्होंने नाम प्लेटा भी पाए शमशान घाट के बहुत ही साडा सहयोग दे के साडे जिहड़े पिंड दा शमशान घाट आ पहले नंबर ते इन्होंने उहदा नाम रोशन किया जो शमशान घाट है हत्थी सेवा करी इन्होंने ते हलवाईआं दे पिंड दा समान जो इन्होंने साडा नाल तैयार करवाया उत्थे पक्खे कुर्सियां मेज सारा इन्होंने 1500 जो मेला होना लगता इन्होंने सहयोग के नाल 1500 मेला इन्होंने पिंड दे विच पंडित किशोर चंद जी के सहयोग के नाल इन्होंने मेले का जोड़ा शुरू करया इन्होंने बहुत वधिया ढंग के नाल 1500 बाबा ठाकर दास जी के द्वारे से जो मेला लगता वो इन्होंने सहयोग के नाल बस इन्ना कुछ कहते हुए अभी खिमा के जायकों से कोई गलती फलती होगी तो परिवार को माफी मांगते हैं बोल संत बाबा ठाकर दास महाराज की जय कुछ और संवेदना संदेश हमें प्राप्त हुए हैं रिटायर्ड एसएसपी श्री सुदेश अग्निहोत्री जी ने विशेष रूप से परिवार से संवेदना प्रकट की है उसी के साथ साथ श्री महावीर जैन युवक मंडल के अध्यक्ष क्रांति जी महामंत्री सनील जी ने जैन मिलन के अध्यक्ष श्री पुनीत जी महामंत्री श्री राजीव जी ने और जैन कांफ्रेंस के प्रमुख मार्गदर्शक श्री सुनील जी अध्यक्ष पंकज जी महामंत्री अमित जी ने और महावीर जैन भवन निर्माण सोसाइटी के अध्यक्ष श्री राहुल जी महामंत्री मुस्कान जी सभी संस्थाओं ने परिवार से संवेदना प्रकट की है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा परिवार की ओर से एसएच जैन सभा के पूर्व महामंत्री और जैन कांग्रेस जलंधर के प्रमुख मार्गदर्शक श्री सुनील जी आए वो अपने श्रद्धा पुष्प अर्पित करें। श्री सुनील जी शोक समारोह प्रस्ते आदरणीय बुजुर्गों भाई बहनों बड़े शौक से सुन रहा था जमाना तुम्हें सो गए दासमत लाला आर सी जैन उनका मूल नाम रतन चंद जैन था वो शायद किसी को भी ना मालूम
बहुत कुछ उनके बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने उनके बारे में बोला है। यद्यपि मैं परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरा अपना उनके साथ बहुत संबंध है। आयु की दृष्टि से हमसे बहुत बड़े थे, लेकिन हर काम की सलाह कर रही, और सबसे बड़ी बात यह है कि लाला जी का हर काम एक नए ढंग से होता। कई बार हम सोचते रहते हैं लाल ये क्या कर रहे हैं, नहीं इसको ऐसे ही करना। शादी की स्वर्ग जल्दी आई तो 3 दिन का प्रोग्राम रख लिया, लड़कियों की शादियां करवा रहे हैं, सुखा वाला से उन्हें बहुत प्यार। जब भी फ्री हुए यहां से थोड़ा समय मिला तो मैं फरीदपुर सुखा वाला जा रहा, और ये बात जो इन्होंने कही कि जहां मेरा जन्म हुआ वहीं मेरा अंतिम समय भी वहीं आए, ये सच में उनकी इच्छा है और ये उनकी इच्छा भगवान ने पूरी की है। आयु की दृष्टि से लाला जी ने अपना जीवन बहुत ही अच्छे ढंग से व्यतीत किया, बहुत ही बढ़िया जीवन व्यतीत किया, अंत तक वो चलते रहे, अंत तक वो सब काम करते रहे। जिंदगी के अंदर उन्होंने लगभग सारा जीवन सारी गर्मियां डलहौजी में गुजारा। अभी हफ्ता पहले ही वापस आए, वहां पर हर रिश्तेदार को फोन करते रहे यहां जाओ यहां कुछ दिन रुको। साथ में उनकी सेवा के लिए हमारी बहन जी, उन्होंने बहुत सेवा की है। मैं तो ये कहता हूं कि जो जीवन के अंतिम वर्ष है उनके अंदर लाला जी उन्हें टेक केयर कहा करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सेवा की। बच्चों ने अपनी जगह सेवा की, बहुओं ने अपनी जगह सेवा की, लेकिन लाला जी की हर काम में धुन अपनी होती है। उनको ये नहीं कोई कह सकता था कि आपको ऐसे ही करना है, आपको यही करना है। उनके अपने मन में जो आया, आज मिसेस का जन्मदिन है, उनकी पुण्यतिथि है, महिला संघ को कहिए ये करें, महाराज जी को कहिए ये करें, तो कहने का स्थान तात्पर्य यही है कि उनका सारा जीवन जो है एक तरह सेवा से निकला है। रघुवर दास महाराज के बहुत भक्त हैं, नालागढ़ में महाराज जी का जो कि वहाँ पर भद्रमणि जी राममुनि जी उनका अंतिम क्षेत्र वही रहा, यद्यपि रघुदेव महाराज जी का तो अंतिम समय जरूर रहा, लेकिन उस उनके प्रति इतने समर्पित थे। जब भी जन्मदिन आना तो नालागढ़ में कुछ ना कुछ बांटते रहे। अभी ये सुखा वाले भाई साहब बता रहे थे कि सुखा वाला से उन्हें इतना प्यार था, शायद ही होगा कि किसी क्षेत्र में उनका कोई रोल ना हो, हर जगह हर चीज बांटते हैं, कहीं स्कूल में कुछ बांटते हैं, बोले शमशान घाट बनाना है, ये यार मेरा स्कूल का काम रह गया है, इसको ये काम पूरा करना है, वहां पर बर्तनों का काम रह गया है, वहां पर मेरा लाउड स्पीकर ठीक से नहीं है, वो भी एक नया लेना है, कौन से ऐसे काम है। तो उन्होंने वहां अपना एक क्षेत्र चुन लिया, सुखा वाला को बेसिकली उन्होंने अपना एक क्षेत्र चुना, काम करने का एक एरिया चुना जिसके अंदर उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। मैं और कुछ ज्यादा ना कहता हुआ, लाला जी की कमी जो है तो परिवार के लिए तो जो है सो है ही, ये सामाजिक अपूर्णीय क्षति है। लाला जी समाज के संरक्षित पद पर मौजूद थे, वो संरक्षित पद होते या ना होते कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संरक्षित पद से भी ऊपर ही थे। हर व्यक्ति से उनका पूरा संबंध, किसी से कोई राजनीति नहीं,
चुनाव होते रहते हैं, क्योंकि कोई तो खड़ा हो रहा है, कोई लड़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये मेरे साथ नहीं है। उन्होंने ऐसा अपना स्वभाव बना रखा था कि वो सबके साथ प्रेम करते हैं। अंतिम समय में उन्होंने अपना जो समय बिताया है वो सुखावाला में बिताया है। आज सुखावाला के सारे लोग यहाँ आए हैं, निश्चित रूप से जहाँ हमारे समाज के लिए और बड़ी कमी है, वो सुखावाला के लिए जो कमी है वो बिल्कुल अपूर्णीय क्षति। आशा तो ये की जाती है कि दोनों बेटे हमारे पन्नी जी और पिताजी ये अपने पिता के दिखाए मार्ग पर चले, क्योंकि जो सेवा यात्रा चल रही थी वो निर्विघ्न चलती रहे, बहुएं भी वैसे ही काम करें, पोते भी वैसे ही काम करें, कोई काम में किसी तरफ समाज के अंदर ऐसी बात ना हो कि लाला जी ये काम करते थे आगे काम नहीं हुआ, और ऐसा होगा भी। अभी हमारे बताया ही है कि अरुण जी बहुत समर्पित होकर काम कर रहे हैं, हमारे जो टनी बाबू जी हैं इनका भी सामाजिक क्षेत्रों में बहुत रोल है। यहाँ बहुत से लोगों ने देखा होगा कि कितनी बार जो है लाला जी की शादियां करवाई हैं गरीब बच्चों की, कितनी बार, एक बार नहीं कितनी ही बार करवाई। इसके अलावा पिंगलवाड़ा में कई क्षेत्रों में ऐसे जो है वो कई जगह काम के क्षेत्र में चलते हैं। तो बस और कुछ नहीं, हमारा व्यक्तिगत भी ये बहुत नुकसान है, लाला जी बीच में नहीं रहे, 90 वर्ष की आयु चलो कम नहीं होती, फिर भी वो अंतिम समय तक अपने शरीर के साथ बिल्कुल चलते फिरते रहे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, किसी को उन्होंने सेवा का मौका ही नहीं दिया। तो मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, हमारी ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन पंजाब की ओर से, जलंधर के हमारी ऐसे जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से, हमारे जितनी भी सोसाइटियाँ हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लाला जी ने बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे प्रेम वेजिटेरियन सोसाइटी हो या कोई भी हो, हर जगह उनका रोल था, ये हमारा काम इसमें ये कर दो, हमारा दान इसमें ये दे दो। हर सोसाइटी की तरफ से मैं अपने दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और शासन देव भगवान महावीर स्वामी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा अपने उस शाश्वत सुख को प्राप्त करे जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, वो जहां भी हो जिस हाल में भी हो अपनी कृपा उन पर बनाए रखे। परिवार की तरफ से आज सब लोग जो है जो इस दुख की घड़ी में संवेदना व्यक्त करने आए हैं, सारा परिवार जो उनका है, हमारे कन्नी जी का, कार्जन जी, अरुण जी, उनका जो परिवार है, सारा कसूर वाला जो परिवार है वो उनका आभार व्यक्त करता है। उन्होंने इस दुख के मौके में उन्हें जो आकर सांत्वना दी, उनका ढांढस बढ़ाया, परिवार की तरफ से उनका आभार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयेरियान, नमो वच्छायान, नमो लोए सब साहून, एसो पंचे नमो कारो सब पाप पनासनो, मंगलांच सबे से पड़म हवई मंगलम, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयेरियान, नमो वच्छायान, नमो लोए सब साहून, एसो पंच नमो कारो सब पाप पनासनो, मंगलांच सबे से परम हवई मंगलम, नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयेरियान, नमो वच्छायान, नमो लोए सब साहून, एसो पंच नमो कारो सब पाप पना
यहाँ परिवार का दुख बांटने के लिए एकत्रित हुए हैं, हम उनका रामलाल शांति देवी जी समस्त कसूर वाले परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त कर अति धन्यवाद करते हैं। तथा जो भी बाहर से मदारे हैं उनसे निवेदन है, परिवार का आग्रह है कि सभी भोजन अवश्य ग्रहण करके जाए। अब सामूहिक रूप से हम वीर स्तुति का जारण करेंगे और उसके बाद मंगल पाठ जो ब्राह्मण की रस्म है वो 3 बजे इसी हाल में होगी। पारिवारिक जन इस बात का अवश्य ध्यान रखें। ओम जय महावीर प्रभु स्वामी, जय महावीर प्रभु जगनायक सुखदायक, जगनायक सुखदायक पापाचार मिटाया सत्पद